mobile phones ka hamari neend se kya sambandh hai kyunki hum sabhi ko jo wo, uh, mobile phone hum use karte hain aur kya inka aapas mein sleep is crucial to the development of physically and psychologically healthy children but a number of factors have been identified as interfering with sufficient sleep including the use of of electronic media devices. These days, most children, and nearly all adolescents, have at least one such device in their sleep environment, with most used near bedtime, and such use is associated with inadequate sleep quantity and quality, with resultant excessive daytime sleepiness. So there are calls to minimize device access at bedtime. But wait a second, not so fast. I mean, which came first? The media use? तो जरूरत से ज्यादा जो है वो अपने स्मार्टफोन पे कंप्यूटर पे इन चीजों पे रहते हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उन्हें नींद आने की भी प्रॉब्लम होने लगी है लेकिन कहते हैं कि क्या

In college age students, it may be more of the reverse, the not sleeping leading to pulling out their screens instead of just staring at the ceiling. Though in early childhood, it may be a bit of both. How might screen time interfere with sleep? It may not just be pushing back bedtimes and overstimulation. The light emitted from devices may affect circadian timing by interfering. With the production of melatonin, the the sleepiness hormone that starts ramping up as soon as the sun goes down, but we'll put a screen in someone's face, and the excess light at night may confuse your brain. Uh, so, see that we have also talked about that which the Nobel Prize given to the scientist on the circadian rhythm, which is the clock that is in our body which determines the time of twenty-four hours. क्या क्रम रहेगा हमारी बॉडी में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनका ऑन होने का और उनका ऑफ होने का क्या क्रम रहेगा हमारी बॉडी का माइक्रो लेवल पे तक कि के लेवल पे भी क्या क्रम रहेगा कौन सी जीन कब ऑन ऑफ हो रही है ये जिस समय की प्रक्रिया टाइम टेबल के आधार पे ये सारा कार्य हमारे शरीर में होता है उसको कहते हैं सर्केडियन रिदम और ये सर्केडियन रिदम का जो मेन एक तरह से समझिए कि कंट्रोल स्विच जो होता है वो होता है मेलाटोनिन एक हार्मोन ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर बनता है और ये कैसे बन कब बनता है जब तक रोशनी रहेगी ये हार्मोन जो है बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में रहेगा और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा ये हार्मोन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा तो जब सांझ होती है और सूरज नीचे चला जाता है अंधेरा आ जाता है नेचर में अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वगैरह हो गई हैं लेकिन हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि जब सूरज चला जाए अंधेरा हो जाए रात आ जाए तो ये अंधेरे जो डार्कनेस या अंधेरा है वो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन के लिए ट्रिगर करता है मेलेटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये हमें नींद दिलाता है लेकिन अब नेचर ने तो कहा कि शाम हो गई रात हो गई एक्सक्यूज <coughs> मी <excuse me, coughs> और आप अब सो जाइए लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम एक टीवी स्क्रीन देख रहे हैं या अपना स्मार्ट मोबाइल देख रहे हैं तो लाइट आ रही है जब लाइट आती है हमारी आंखों में ये लाइट पड़ती है हमारी जो आंखें हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है तो आंखों के जरिए ये जो लाइट है हमारे ब्रेन के उस हिस्से में जाती है जहां से मेलेटोनिन प्रोड्यूस होती है और वो जाके हमारे पाइनियल ग्लैंड जो मेलेटोनिन बनाता है उसको कहती है कि लाइट आ गई यानी कि रोशनी हो गई अब मेलेटोनिन बननी बंद कर दो तो ये एक उसको फॉल्स सिग्नल देती है और मेलेटोनिन बननी बंद हो जाती है तो इसीलिए जितना ज्यादा हम रात के समय स्क्रीन टाइम रखेंगे जितना ज्यादा हम रात के समय अपना स्मार्ट डिवाइस देखेंगे टीवी देखेंगे और सेल फोन्स को देखेंगे उतना ज्यादा हमें नींद आने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारी मेलेटोनिन की सिक्रीशन नहीं बनेगी और वो सिक्रीशन इतनी कम होगी कि अगर थक के हम सो भी जाएंगे तो हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो पोअर होगी हमें गहरी नींद नहीं आएगी उतनी गहरी नहीं आएगी जहां पे बॉडी के मैक्सिमम रिपेयर प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं तो देखिए हम कितना नुकसान करते हैं ये हमारी स्लीप हैबिट के लिए बहुत हानिकारक है कि हम सोने के लास्ट मिनट तक अपना स्क्रीन देखते रहें चेक करते रहें और स्क्रीन पे टाइम इसीलिए सोने से पहले जो बेस्ट हैबिट हम अपने लिए बना सकते हैं वो है मेडिटेशन कमरा एकदम अंधेरा कर दीजिए रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और चाहे आप साइंस ने शो किया है चाहे आप 11 मिनट दिन में दो बार मेडिटेट कीजिए तो आपके जिनको नोबेल प्राइज मिला था जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ जिन्होंने दिखाया कि जीन्स के दोनों सिरों पे जो कैप्स होती हैं जिनको टिलोमेर कहते हैं जो समय के साथ साथ घटती जाती हैं जिसके कारण जीन्स हमारी टूट के बिखर जाती हैं हमारे जींस को दोनों सिरों पे मजबूती से जो चीज पकड़ के रखी है वो है टीलोमेर और टीलोमेर जैसे जैसे घट के कमजोर होती हैं और एक टाइम आता है कि जीन्स टूट जा बिखर जाती हैं तो हम मर जाते हैं तो उन टीलोमेस को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं और जो कि साइंस को आज तक पता ही नहीं था कि हम ये टीलोमेर्स को कैसे बढ़ाएं और जो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया उन्हें फिर ऑब्वियसली हमने नोबेल प्राइज दिया वो दो महिलाएं थी और वो आ, बर्कली यूनिवर्सिटी की थी अमेरिका की तो वो दो ही चीजें हैं एक हमने पता लगाया कि आप अपनी डाइट चेंज कर दीजिए दूध मीट अंडा मच्छी इस तरह की डाइट मत कीजिए आप कीजिए पौष्टिक आहार खाइए जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से आता हो हि हिंदी या भारतीय सब कॉन्टिनेंट की भाषा में बोले तो दाल रोटी सब्जी फ्रूट ये चीजें खाइए दूसरा उन्होंने क्या पता लगाया कि यदि आप जो है मेडिटेट करें और कितना ऐसा नहीं कि आपको एक पैर पे खड़े होकर हिमालय पे मेडिटेट करना है। सिर्फ 11 मिनट आप दिन में दो बार करें तो 30% परसेंट तीस प्रतिशत आपके टीलोमेर जो है वो बढ़ जाएंगे तो ये दो काम हमें करने हैं तो ये काम अगर हम रात को अपना स्क्रीन टाइम बंद कर दें और अगर हम रात को सिर्फ आंख बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट करें अपने श्वास प्रश्न कोई आपको रिलीजियस होने की जरूरत नहीं मेडिटेशन का किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है या तो हम डॉक्टर नील बर्नार्ड जो हैं डॉक्टर डीन ऑर्डन जो हैं जो प्रेसिडेंट क्लिंटन के भी फिजिशियन हैं तो वो अपने जो रिसर्च है जिन कैंसर के पेशेंट्स को ठीक करते उन सबको मेडिटेशन सिखाते हैं बहुत सिंपल किसी धर्म से लेना देना नहीं है आप सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें दीवार का सहारा ले सकते हैं श्वास पे ध्यान दीजिए श्वास अंदर आ रहा है श्वास बाहर जा रहा है अपने विचारों को देखिए बस इतना यही मेडिटेशन है आपको और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है तो ये करिए तो इससे आपकी स्लीप की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है आप देखिए कितनी बेटर हो जाएगी Uh, look, of course, if you're sitting there checking email with the lights on, then you're already overexposed, and a little extra from the screen may not make much of a difference. But if you're sitting in the dark, and you know need to send off that final text or something, then having the light settings tweaked to yellow your screen may help. But what? A तो यदि आपको काम ही करना है देर रात तक और आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ईमेल चेक करनी है टेक्स्ट देखने हैं तो अपने सेल फोन की जो सेटिंग है लाइट की उसको हल्का सा पीलेपन पे कर दीजिए बजाय व्हाइट पे होने के बात सेल फोन वेरिएशन माई लिविंग Uh, there's an enzyme called the uh, beta-trace protein that makes a sleep-promoting neurohormone in the brain and researchers found that those with greater long-term cell or cordless phone exposure tended to have lower levels of this enzyme in their bloodstream so the thinking is that the emissions may affect the release from the tissue surrounding the brain especially those right up under the skull closest to the phone so though हमारे जो ब्रेन होती है मस्तिष्क उसमें एक तरह का एंजाइम होती है जिसको कहते हैं बीटा ट्रेस प्रोटीन ये एंजाइम क्या करती है ये एक हार्मोन बनाती है प्रोस्टाग्लैंडिन डी टू और ये जो हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन डी टू ये क्या करता है ये नींद दिलाने वाले स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होता है इससे हमें नींद आती है जिस तरह से मेलाटोनिन होता है उसी तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और ये पाया गया है कि जो लोग अधिक समय अपने सेलफोन पे बिताते हैं स्पेशली अधिक टाइम जो है अपना सेलफोन पे बिताते हैं उनके अंदर ये बीटा ट्रेस प्रोटीन एंजाइम जो होती है वो कम होती है और तभी उनका प्रोस्टाग्लैंडिन डी टू जो नींद दिलाने वाला जो हार्मोन है उसकी मात्रा भी कम होती है और आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो अधिकांश दिन अपने कान के अंदर वो वाईफाई का सिग्नल लगा के घूमते हैं उन्हें कॉफी की जरूरत बहुत अधिक होती है और वो सुबह कॉफी के बिना आंख भी नहीं खोल पाते क्योंकि वो अपना बहुत भारी नुकसान करते हैं दिन रात वाईफाई कनेक्शन से जुड़े रहने के कारण लेकिन मायूस मत होइए ऐसे लोगों को बहुत जरूरी है कि वो अपनी स्लीप हाइजीन जैसे हम अपना नहाने धोने से अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं उसी तरह से नींद की बेखाइजीन होती है उसको ठीक करें यानी कि कम से कम सोने से एक घंटा पहले को सेलफोन को बंद करके रख और मेडिटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें अंधेरा कर दें कोई लाइट म्यूजिक सुने जिससे आपको मन में शांति आती हो और कोई ऐसी वार्तालाप सुने जिससे कोई अध्यात्म की कोई चीजें सुने कोई भी पीसफुल चीजें जो आपको मन में शांति देती हो और सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करें तो ऐसी चीजें करेंगे तो आपका ये वाईफाई वाली प्रॉब्लम भी है वो कम हो जाएगी लेकिन मेन प्रॉब्लम है आप वाईफाई सेलफोन सिग्नल्स को कम से कम करें There is a kind of possible mechanism if cell phones do indeed affect sleep, but you simply don't know uh, until you put it to the test. Study participants were exposed to 30 minutes of a cell phone in talk, listen, standby, or off modes. All the lights and speakers were disabled. Uh, there was insulation used to prevent them from feeling if it was heating up or anything, so the participants didn't know which group they were in. After the exposure, they took the phones away, shut off the lights, and told them to try to fall asleep. Those exposed to the phone when it was off or in listen or standby mode fell asleep within 20 to 30 minutes. But after being exposed to the same phone in talk mode, it took an average of closer to 50 minutes to fall asleep. So an experiment that cell phone they on mute, group cell phone off group listen mode, तीसरे ग्रुप को उन्होंने क्या करा कि टॉक जो म्यूट का बटन था वो हटा दिया वो नॉर्मल था तो उन्होंने क्या पाया कि जिन लोगों के अंदर सेलफोन ऑफ था या जिन लोगों में सेलफोन म्यूट पे था वो सिर्फ सुन सकते थे उनकी नींद जो थी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई लेकिन वो लोग जिनके अंदर सेलफोन भी ऑन था म्यूट का बटन भी नहीं दबा हुआ था वो लोगों ने को जब सुलाने की सोने की कोशिश की गई उन लोगों को तो उनको कम से कम आधे से पचास मिनट आधे घंटे से पचास मिनट ज्यादा लगे नींद आने में तो यानी कि उनकी स्लीप जो थी वो काफी डिसरप्ट हुई And the reason for the significant difference between talking and listening might be due to the fact that the typical sar value the, the specific absorption rate how much cell phone energy your body absorbs is about nine times higher when you're talking than when you're just listening to someone else talk so this difference kiutha difference was that the of the cell phone energy kis rate our body उसको हम डिटरमिन करते हैं स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट जिसको एस ए आर कहा जाता है तो जब हम सिर्फ सेल जब हमारा ऑफ होता है या जब सिर्फ हम सुन रहे होते हैं म्यूट बटन पे होते हैं तो हम नौ प्रतिशत नौ सॉरी नौ प्रतिशत नौ प्रतिशत नहीं जब हम बोल रहे होते हैं तब हम नाइन टाइम्स यानी कि नौ सौ प्रतिशत ज्यादा एनर्जी जो है सेलफोन की वो हम हमारा शरीर ग्रहण कर रहा है और बजाय कि जब हम सिर्फ सुन रहे होते हैं म्यूट पे तो हमारा शरीर उतनी कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसीलिए कहते हैं कि बोलना कम और सुनना ज्यादा चाहिए खास करके सेल फोन पे तो सेल फोन पे अगर आप कोई ऑफिस की मीटिंग है कुछ भी चल रहा है या आप कुछ आ, सुन रहे हैं देख रहे हैं तो म्यूट का बटन दबा दीजिए ताकि आप वो एनर्जी इतनी ग्रहण ना करें When you do finally get to sleep, though, what are the effects of cell phone exposure on sleep quality? There's been about twenty studies, split about half and half in terms of whether cell phone exposure affected sleep parameters, uh, and not all in a negative way. Uh, it reminds me of the brain function data. Uh, yeah, an increase in the excitability in the brain cortex, the outer layer of the brain, in response to exposure to cell phone emissions, might disrupt sleep. So say that ब्रेन uh, की एक्टिविटी uh, uh, है वो भी चेंज हो जाती है जब हम सेलफोन uh, यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ सेलफोन यूज़ करने से जो uh, नींद है वो देर से आती है बल्कि जो क्वालिटी है नींद की वो भी कम हो जाती है exposure to cell phone emissions might disrupt sleep but that increased excitability may mean like faster reaction times similarly in affected study subjects those exposed to an active cell phone showed significantly more r sleep but r stands for rem so they got like 4% more potential dream time so that's not necessarily a bad thing so, the quality of the sleep वो भी घट जाती है और हम जो है रैपिड आई मोमेंट स्लीप जो रेम स्लीप होती है जिसमें सपने अधिक आते हैं वो थोड़ी बढ़ जाती है यानी कि हम गहरी नींद से निकल के और हल्की नींद में आ जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है बट द ट्रूथ इज कि हम गहरी नींद से जाके और सुपरफिशियल नींद में हम आ जाते हैं तो ये सेलफोन जो है हमने जाना कि हमारे लिए नींद के लिहाज से सेलफोन जो है हमारे लिए Uh, अच्छा नहीं है